अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब है ऐसे होंगे। मैंने कहा चलिए अब व्लॉग को रात से शुरू करते हैं, बताते हैं रात की रूटीन। तो अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ क्या टाइम हुआ है। सुबह मैंने व्लॉग बनाया था लेकिन वो मेरे से ठीक नहीं बना, ख़राब हो गया, वो मैंने डिलीट कर दिया। तो आज इस वजह से मैंने व्लॉग नहीं ऐड किया। तो अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ क्या टाइम हुआ है, मैं कितने बजे सोने लगी हूँ। यू कैन सी वॉच, देखें 10 बज गए हैं, 10 बज गए हैं और अब 10 बजे मैंने सो जाना है। तो और ये मेरे बाबा जो है ना वो ब्लॉग देख रही है, तो मुझे दो मिनट बाद ऑर्डर आता है कि इसको चेंज करके दो। तो अब इसको भाई मैं चेंज करके फिर मैं सोने लगी हूँ। तो फिर इसको मैं सुबह आपको बताऊँगी कितने बजे मैं सो क्योंकि कितने बजे मैंने काम स्टार्ट करना है। सिस्टर विद अस एंड सब्सक्राइब, तो ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए। लीजिए सुबह हो गई है, टाइम देख लें 8 बजे और आज मैं देर से उठी हूँ, नहीं तो मैं 6 बजे उठ जाती होती हूँ। तो अब आगे के देखते हैं, उठ के नाश्ता वगैरह करना है, मुंह धोना है और छत पे जाके फिर वीडियोस वगैरह बनानी है। चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ ब्लॉग के साथ बनिए रहिए। बाहर इतनी ज़्यादा फोग हुई हुई है कि अंदाज़ा नहीं कर सकते, धुंध पड़ रही है। देखिए ना इस धुंध में ऊपर जाके क्या काम करना है। देखिए इस धुंध में क्या काम करना है। अभी तो 8 का टाइम है, इतनी धुंध पड़ी हुई है, तो देखते हैं अब क्या होता है। नीचे तो हम आ गए हैं छत पे और छत का हाल चेक करने आए हैं कि छत के ऊपर क्या सीन है। तो सीन चेक करते हैं। इतनी धुंध, सूरज छुपा हुआ है वहां पे बाहर। अरे अल्लाह, कहती हूँ कि जो लोग काम पर गए हैं बाहर निकलते हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करें, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। ये इस धुंध में तो कुछ नज़र भी नहीं आ रहा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला सबकी हिफाजत, बाहर के मुसाफिरों की जो गाड़ियाँ चला रहे हैं बसों में, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। तो ये देखें आज तो मैं क्या कर सकती हूँ, आज तो अभी धुंध धूप निकलेगी, कोई सीन बनेगा धूप का तो फिर काम शुरू होगा। और ये जो मैंने कल इतनी मेहनत के साथ अपने टेक्सचर तैयार किए थे, तो ये अब इनको भी बड़ा टाइम लगना है ड्राई होने में। इन्हें पड़ा कर दो हजे, फिर टाइम नहीं है मेरे को, ये ना टाइम बहुत ज़्यादा लेना, तो इन्हें रखने देखने से मेरे को टाइम नहीं है। और वीडियोस भी ड्राई होंगी, बहुत मुश्किल से धूप निकलेगी, वीडियो ड्राई होंगी तो ही जाके वीडियो का कुछ सीन तैयार होगा बनने का। और ये देखें ये जो स्लैब है इसको आज तीसरा दिन है और इस को अगर मैं इसको मैंने सेपरेट करना है, तो चलें इसको सेपरेट करते हैं ठीक है। और फिर मैं इसको सारा जो है ना उतारती हूँ, अगर ऐसे ही लगी रही तो इसने हुशिक नहीं होना, इसलिए इसको ज़मीन से सेपरेट करना होगा। चलो इसको सेपरेट करते हैं, तो मैं पहले मोबाइल कैमरा सेट कर लूँ, तो उसके बाद जो है ना हम सेपरेट करते हैं ठीक है। नज़र आ रहा है आपको? थोड़ा करते हैं, इसको भी हमने अब कर लिया। अब वो वाली साइड है, धूप
में बंदा बैठा हुआ है और इस कदर मेहनत वाला काम, खाली पेट कितना जोर लगाना पड़ता है, कोई ऐनी दी गल ले, झाड़ू लो मासी झाड़ू लो आ जाते। उतर जाओ उतर जाओ, मैं थक गई, उफ मैं थक गई, मेरे हाथ थक गए, ये देख सकते हैं आप मेरे हाथ, इतने मुश्किल काम करती हूँ इसलिए मुझे बाद में मेरे हाथों में दर्द आती है, ये देखें इसकी शेप्स बनाते हैं अभी, पहले ये उतर तो आए, 3 दिन इसको हो गए हैं, 3 दिन से ज्यादा मैं इस काम को नहीं कर रख सकती क्योंकि मेरी शान के खिलाफ है ये काम। इस कदर मेहनत खाली पेट, आज मैं लेट उठी हूँ नहीं तो मैं 6 बजे उठ जाती हूँ। हर अच्छी चीज अभी मेरे सब्सक्राइबर कहते हैं नया कुछ नया बनाए कुछ नया बनाए कुछ नया, ये नया ही हो इस घर में नया क्या बनाओ, फिर धमाल ही पा देने असि धमाल ही पा दे सानू बाहर बड़ी चीज कही जाएगी। एंड नाउ इट्स टू मच टफ, मैं एक बार सारी उतार लूं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने सारा एरिया जो है साफ कर लिया, बड़ी मेहनत से खाना है स्वीट है स्प्रेड यानी कि सेपरेट किया है, अब मैं आपके सामने थोड़ी सी डैम क्रम्बलिंग करूंगी, इतनी ज़्यादा डैम क्रम्बलिंग नहीं मैं कर सकती, वीडियो इतनी लंबी हो जानी है फिर आप लोगों ने कहना है, आप लोगों ने देखने ही नहीं, ये देखें ये मड का टेक्सचर है, इसमें मैंने मड मिलाई थी और सीमेंट मिलाई, ये वो वाला टेक्सचर है, इसकी नहीं आवाज़ आनी क्योंकि ये साउंड लेस है, नजर आ रहा है बड़ा मजे का टेक्सचर हो गया, गीला इतना मजे का है, अगर यही गर्मियों में बनाता ना, अगर यही टेक्सचर गर्मियों में बनाता ना ये बहुत मज़े का होना था, वहाँ पता नहीं क्या आगे रहा, डर ही लगता है कोई चीज़, ये देखिए इसमें भी सीमेंट की सख्ती है क्योंकि ये गीला है और मैंने इसको गीला गीला इसलिए उतारा, आज इसको 3 दिन हो गए हैं इसको, क्या इसकी साउंड है ही नहीं,
चले जी मैं आप करती हूँ इसको सारा मिक्स अच्छे से, उसके बाद में आपको दिखाती हूँ। देखिए जी मैंने सारा हाथों से भुरभुरा कर लिया है और ऊपर इतनी ज्यादा धुंध है ना कि मुझे चले जी अब मैंने इसको क्या करना है। एक दफा तो मैंने इसको कर लिया है हेल्पफुल विंग सुपर हेल्प सुपर डुपर, इससे मैंने माशाल्लाह फटाफट इन्हें किया मिक्स। चले अब हम एक दफा और लाइट सी मिक्सिंग कर लेते हैं ताकि ये है मट का टेक्सचर जो कि बहुत मज़ेदार बना है। आप टेक्सचर की खासियत अगर आपने चेक करनी है ना तो आप उसको डैम क्रम्बलिंग करके देखें, अगर वो आपको तंग नहीं ना कर रहा यानी कि डैम क्रम्बलिंग तंग नहीं कर तो समझे वो ड्राई होके इतनी सुपर बनेगी ना कि आपकी सोच है। तो देखें ज़रा अब मुझे टेक्सचर के ड्राई होने का इंतज़ार है, आई एम सो एक्साइटेड। मैं जल्दी से ड्राई हो और फिर मैं जो इसकी क्रम्बलिंग टेस्ट करूँ। अभी तो ये भुरभुरा है ना क्योंकि अभी तो मैंने गीला गीला इसको सेट किया है, अब जब से ये ड्राई होगा फिर इसके बाद इसकी सिफ्ट इसको सिफ्ट करूँगी कि इसके छोटे छोटे लम्स जो हैं वो ना बने, और फिर इसको सिफ्ट करके इसको एक प्रॉपर टेक्सचर की शक्ल में ये तैयार हो जाएगा। टाइम नहीं वेस्ट करना, इसके अंदर डालते हैं और अंदर डाल के साथ साथ इसको करते हैं यहाँ से ऐसे प्रेस हल्का सा करना है, ज़्यादा नहीं करना। एक तो मेरे ये कई दफ़ा निकल आते हैं सही और कई दफ़ा ये हो जाते हैं ख़राब। अगर इसको ऐसे पड़ा रहने देती तो इसे ड्राई नहीं होना था, इसको वीक भी लग जाने थे, अभी तो जस्ट इसको 3 दिन हुए हैं। और सर्दी में आप हाथ चलाना बड़ा मुश्किल काम है, फ्रीज हाथ हुए होते हैं। ठीक है अब करना क्या है, थोड़ा सा हम मैं कहती हूँ दिन होता है अपने आप को काम के ध्यान ही लगा लेती हूँ, सारा दिन अपने आप को काम के ध्यान ही लगा ही रखती हूँ। शाम होती है रात होती है उस टाइम मेरे पापा की याद मेरे दिमाग में चलना शुरू हो जाती है। मैं कहती हूँ जल्दी से दिन हो फिर से काम करने लग जाऊँ, उस तरह मेरा दिन गुजरता है अपने आप को ध्यान लगा कर। बहुत मजे का टेक्सचर है ये, ऐसे खुद बहुत। अब इसमें सीमेंट की सख्ती है, अब इसमें एक और मेहनत होनी है, ये ड्राई होगा फिर इसको सिफ्ट करेंगे, इसको पाउडर की शक्ल में रखेंगे, फिर इसको हम काटेंगे बाहर, इसको फिर हम अंदर डालते हैं, तुन के रख देना है इसको हम। और ये देखे जा आगे फिर मेरी वीडियो में जाज कहता है मैंने तो आना ही आना है। इसमें देखे ना कहीं कहीं ऐसे ऐसे बनी हुई है, अब ये जब ड्राई होगी ना ये फील होगा सब। चलें जी अब हम इसको निकालते हैं एंड विश मी बेस्ट लक के ये जो है अच्छा निकले, ठूटा हुआ ना निकले, ठूट के बिखरे ना।
अगर मैं ये ढूंढ के बिखर गया तो मेरे मुझे बहुत ही गुस्सा आएगा। हमने टप उल्टा दिया और इधर हमें थोड़ा सा टप को पीछे करना है तो ये बहुत ज्यादा नहीं है। ये मेरा पेट इतने वजनी वजनी काम, बाकी मैं ऐसे बैठ लेती हूँ क्योंकि मेरे में रोटी पकाने की भी हिम्मत नहीं होती, जाके कुछ काम करने की हिम्मत नहीं होती इस काम को करने के बाद। इस कदर ये हैवी वर्क है। नीचे वाला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम इसको भी सेट कर लेंगे। ये देखिए लीजिए, मैंने कर लिया अपना काम और अब मैं जा रही हूँ नीचे। तो अभी टेक्सचर ड्राई होगा, इसका रिजल्ट देखेंगे। ये जो मैंने छोटी सी थापी बनाई है ना, ये ड्राई होगी, फिर हम इसका रिजल्ट देखेंगे। इसे जाके हाथ धोने हैं ना, मैंने हाथ धो के फिर मैं नाश्ता करूँ। आ गई, हाथ धोने हैं, नाश्ता करने। और आशा की आप लोग आवाज सुन सकते हैं, वॉशरूम में बैठ के रोने लगी हुई है। जैसे लाइट जाती है वो रोना शुरू कर देती है। देखा, आ गई है लाइट, जैसे ही लाइट जाती है वो रोना शुरू कर देती है। और जैसे लाइट खुद कहेगी आ गई है, पता नहीं ये लड़ी रात की कोई कहती हूँ 7 नहीं कोई 10-12 बार लाइट गई है और 10-12 बार आशा रोई है लाइट के जाने की वजह से। क्या चाहिए आशा? हम भी सुबह के टाइम वैसे तो यूजुअल माना नाश्ता यही होता है ये बाकर खाने का। क्या लेना है? पानी ठंडा है तो हम क्या कर सकते हैं? मोटर चलाई, ये तू नलका खोल, पानी तेज हो जाएगा। रात को मैंने कहा है 10 बजे मोटर बंद कर दिया करें, पानी सारा इस्तेमाल हो जाएगा सुबह तक और फिर पानी ताजा भरा जाएगा। अगर फुल नलका खोल ना मोटर चल जाएगी। हाँ तो भाई मैं नाश्ता कर लूँ तो फिर मैं आपके साथ बातें करते हैं। मैं नाश्ता कर लूँ और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे कल के व्लॉग में नए ट्यूटोरियल के साथ, नई वीडियो के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।